ये महीना सावन का महीना है और हर तरफ लोग शिव भक्ति में लीन हैं। बाबा भोलेनाथ का जाप कर रहे हैं और पूरा माहौल शिवमय है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। गंगोत्री, ऋषिकेश और हरिद्वार से करोड़ों कांवड़िया महादेव शिव शंभू के लिए कांवड़ में जल लेकर जा रहे हैं। इन्हीं कांवड़ियों के बीच नोएडा के वावी पहलवान भी हैं, जो 251 किलो की कांवड़ अपने कंधों पर लाद कर चल रहे हैं। अलग अलग इलाकों से जल भर कर बहुत बड़ा सैलाब महादेव की ओर बढ़ रहा है और इसी सैलाब में बाबी पहलवान भी शामिल हैं। पर बाबी पहलवान जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। कांवड़ के ऊपर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है और इस फोटो को लेकर वो कहते हैं कि अखिलेश उनके भगवान हैं। और सरफाबाद गाँव में महादेव पर कांवड़ को चढ़ाएंगे, तिरंगे से मढ़े हुए कांवड़ पर अखिलेश की तस्वीर चिपका रखा है। बाबी पहलवान कहते हैं कि एक भगवान से मिलकर आ रहे हैं और दूसरे भगवान को लेकर वो जा रहे हैं। मान हमारे लिए ये भी भगवान है आपके, एक से मिलकर हैं भगवान से दूसरे हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ऐसा क्या है? बस मन की इच्छा है, मानते हैं अपने दिल से, मानते हैं इनको भगवान। भगवान तो उनके मन की इच्छा है, दिल से वो अखिलेश को अपना मानते हैं। अखिलेश के पिछले चुनाव में हारने को लेकर वो कहते हैं, हार जीत तो लगी रहती है, राजनीति अलग चीज़ है, जो अखिलेश भैया ने दिया है वो बहुत कुछ है। अब उन्होंने भगवान भोलेनाथ से अखिलेश के लिए जीत की प्रार्थना की है और मांगा है कि 2024 में अखिलेश की ही सरकार आए। वो क्या मांग के आए हो? मांग लिया वो मिल गया, जो भैया से मांगा था वो भी मिल गया। अब 2024 में सरकार बन जावे। 2024 में गठबंधन की सरकार, अभी तो इकट्ठा ही ना हो पा रहा, आप कह रहे हो सरकार बन जाए। अभी तो समय है, इकट्ठा हो जाएगी, सब होएगा इकट्ठा। खैर, भगवान शिव की आराधना करने वाले बाबी पहलवान की अखिलेश के प्रति इस स्नेह को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हैं और उनकी अखिलेश के प्रति सच्ची श्रद्धा लोगों को काफी लुभा रही है। डिजिटल डेस्क, भारत समाचार।